वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं वापस एक नया प्लेस लेके आया हूँ। मैं हूँ लोनावला में और यहाँ पे एक विला है वो दिखाने के लिए आया हूँ, क्योंकि अगर आप लोनावला का प्लान कर रहे हो और स्टे के लिए कोई अच्छा प्लेस देख रहे हो तो ये वाला प्लेस भी आपके लिस्ट में ऐड कर सकते हो। और इसका नाम है ड्यू ड्रॉप विला और ये 3 BHK है। 10 लोगों के लिए ये रहेगा विला, 10 से 15 लोग भी आ सकते हैं। तो अंदर हम लोग जाने वाले हैं और ये लोनावला से 8 किलोमीटर दूर है। अगर आपको ऑटो से आना है तो 250 रुपीज़ यहाँ के चार्जेस होते हैं। वैसे 350 बोलेंगे तो बाइकिंग करके आप 250 तक आएंगे। तो अभी अंदर हम लोग इस विला का रिव्यू करेंगे और उसके बाद मैं प्राइस बोलूँगा विदाउट फूड कितना रहेगा और विथ फूड कितने चार्जेस रहेंगे। तो अंदर आते ही आपको बड़ा सा हॉल मिलेगा जहाँ पे आप फैमिली के साथ यहाँ पर बैठ सकते हो। और यहाँ पर बड़ा सा टीवी दिया है, ऑलमोस्ट 50 इंच का टीवी दिया है। और यहाँ पे सोफा ये साइड में और ये साइड में भी सोफा है। अगर आपके साथ बच्चे आ रहे हैं तो ये सोफे पे बैठ के टीवी देख सकते हो। और बड़ा सा हॉल है आप देख सकते हो। तो ऊपर भी जगह है, ऊपर से भी बैठ सकते हैं अगर ऊपर भी बैठना है, ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो। ये साइड में आपको फर्स्ट वाला बेडरूम मिलेगा। तो अभी यहाँ के 3 रूम है। तो पहला वाला रूम है ये साइड में और यहाँ पर 3 जन बैठ सकते, 3 जन के लिए रूम है। तो यहाँ पे अलमारी भी है, अगर आप बैग्स लेके आ रहे हो तो यहाँ पे रख सकते हो। और यहाँ से विंडो से मस्त वाला व्यू दिखाई देगा, सामने वाला गार्डन दिखाई देगा और सामने पहाड़ है बड़ा सा। और रात के समय यहाँ पर भी बैठ सकते हो। और ये साइड में टीवी तो मेन टीवी बाहर है और ये साइड में कुछ ड्रॉर्स भी है, यहाँ पर सामान रख सकते हो। मेरी मस्त रूम में एसी रहेगा। फिर ये साइड में वॉशरूम है यहाँ पे और पानी तो गर्म ही मिलेगा आपको। ये है वॉशरूम यहाँ का। तो ये फर्स्ट रूम है। फिर अभी फटाक से देखते हैं सेकेंड वाला रूम। ये साइड में दूसरा वाला रूम है जो यहाँ से पूल एक्सेस रहेगा, पूल वाला व्यू दिखाई देगा। अगर यहाँ पे आओगे तो सामने आपको पूल दिखाई देगा। तो ये वाला गार्डन वाला व्यू है अंदर के साइड का ये है। और यहाँ पे मस्त बेडरूम दिया है, वही है, यहाँ पे भी 3 जन आराम से बैठ सकते हैं। फिर एसी भी है मेरी, यहाँ पे अलमारी है, यहाँ पे बैग से रख सकते हैं, बड़ी है तो 5 से 6 बैग बैठ सकती है। फिर ये साइड में है वॉशरूम, यहाँ बड़ा वही है, सेम ही है, बेडरूम सेम है, तीनों भी लग रहा है बेडरूम सेम ही है। तो ये होने के बाद ये साइड में ये थर्ड वाला ये वाला यहाँ का तीसरा जो फ्रंट साइड आएगा। तो ऐसे दिया है, यहाँ पे भी बेड है और यहाँ पे सेम अलमारी है, तीनों का डिज़ाइन तो सेम ही है, वही तरीके से बना है। और यही साइड में ऑफिस, 3 रूम रहेंगे तो 3 फैमिली आराम से बैठ सकती है। या फिर बड़ा ग्रुप भी आया आपका तो एक एक रूम में 3-3 जन बैठ के 9 जन का ये ग्रुप हो जाएगा। तो रूम तो बराबर हॉल से बाहर आओगे तो यहाँ पे छोटा सा गार्डन है, ग्रीन ग्रास है और यहाँ पे बैठने के लिए सीट्स बना है। तो यहाँ पे आप रात के समय बैठ सकते हो जहाँ पे लाइट चालू रहेंगे। तो और ये साइड में है स्विमिंग पूल, इसका अलग ही मज़ा है। फिर बाद में यहाँ पे पानी देखो क्लीन दिखाई दे रहा है, सब जगह पे इतना क्लीन पानी नहीं मिलता। और यहाँ पे कुछ शावर है नहाने के लिए। तो ये है यहाँ का पूल, हम लोग थोड़ी देर के बाद पूल में जाएंगे, इसमें मस्त आके नहाने वाले। और ये नाइट में अच्छा लगेगा पूल क्योंकि लाइट्स है अंदर, तो पूल में रात के समय मस्त लगने वाला। और यहाँ पे भी बीच में सामने टेबल भी है, डाइनिंग टेबल है। बराबर अंदर किचन है, किचन दिखा था आपको अगर आप कुछ लेके आ रहे हो साथ में। यहाँ पे विथ फूड भी आ सकते हो, विथ फूड रेट आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होंगे। वैसे तो यहाँ के मैं रेट्स बोल देता हूँ, इस विला का रेट रहेगा 8,000 रुपीज़ अगर आप वीकडेज़ में आते हो 10 लोगों के लिए। तो पर पर्सन सिर्फ 800 में यहाँ का एंट्री रहेगा विदाउट फूड। तो इस हिसाब से अगर लोनावला में प्रॉपर्टी देख रहे हो तो 8,000 में काफ़ी सस्ता ये प्रॉपर्टी है, पर पर्सन सिर्फ 800 रहेगा। बस अगर आप सैटरडे संडे आ रहे हो तो रेट्स हाई रहेंगे क्योंकि लोनावला फुल रहता है, तो सैटरडे संडे ये रेट्स बढ़ते जाते हैं, 12,000 तक जा सकते हैं, सीज़न के वाइज चेंज होंगे। लेकिन वीकडेज़ में आओगे तो 8,000 पर पर्सन 800 रहेगा 10 लोगों का। तो 10 लोगों का ग्रुप लेके आ रहे हो आप तो सस्ते में पड़ेगा, सिर्फ 800 में पड़ेगा। और यहाँ पे अंदर एक किचन है तो वो वाला दिखाता हूँ आपको। ये है यहाँ का डाइनिंग टेबल,
तो यहाँ पे पूल के बाजू में आप बैठ के डिनर भी कर सकते हो, और अगर आप बाहर से फूड लेके आ रहे हो तो वहाँ से आप यहाँ पे ड्रिंक करना है तो यहाँ पे बैठ के भी कर सकते हो पूल के सामने। और यहाँ पे किचन है अंदर, तो ये है डाइनिंग टेबल और अंदर है किचन। तो हम लोग ने तो विद फूड आए हैं हम लोग, तो विद फूड में आपको विद फूड के साथ आओगे तो पर पर्सन यहाँ का रेट रहेगा 2000 रुपीज़, और उसमें मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, फिर लंच रहता है, फिर इवनिंग में टी रहती है, फिर डिनर भी मिल जाता है। तो 2000 में पर पर्सन रहेगा और अनलिमिटेड फूड रहेगा। तो फूड का भी टेस्ट ट्राई करेंगे, उसके बाद बोलेंगे आप विद फूड आ सकते हो कि विदाउट फूड। तो फ़िलहाल हम लोग जाके फटाक से चेंज करेंगे। उसके बाद और एक चीज़ है यहाँ पे, वो भी दिखा था आपको। तो यहाँ से ऊपर जाएंगे, तो यहाँ से सीढ़ी बनाइए, तो हम लोग जा रहे ऊपर इस साइड में, और ऊपर से पूल भी देख सकते हैं। और यहाँ पे एक रूम है ऊपर, अगर एक्स्ट्रा लोग आ रहे हैं आपके साथ, रूम कम पड़ रहे हैं, तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे एक्स्ट्रा बेड रखे, यहाँ पे आप सो सकते हैं। और ऊपर से देखोगे तो आपको नीचे का हॉल दिखाई देगा। तो यहाँ पे भी अगर आप 15 लोगों का ग्रुप भी आ रहे हो तो यहाँ पे भी अगर कम पड़ गए तो सो सकते हो। और यहाँ से ऊपर से मस्त वाला व्यू आपको दिखाई देगा, सामने पहाड़ है। अगर बारिश में आ रहे हो तो मस्त वाला, शायद आज बारिश भी हो सकती है, तो हम लोग का नसीब रहेगा तो यहाँ पे हम लोग को बारिश भी मिलेगी। तो बस अभी के लिए इतना ही है, वीडियो से बने रहो। अभी हम लोग जाएंगे नीचे और चेंज करेंगे और फटाक से आएंगे पूल में। अब सचिन भाई मेरी बारी, आप लोग इधर चले, वाटर पार्क में बहुत बार उड़ी डाला, अभी यहाँ पे डालने वाले अभी हम लोग आए यहाँ का लंच करने के लिए, जो मेरे पैकेज में इंक्लूड था, उसमें आपको वेज और नॉन वेज, अगर आपके साथ ग्रुप में वेज वाले हैं तो वेज आपको पहले बोलना पड़ेगा और नॉन वेज वाले, तो हम लोग ने वेज और नॉन वेज बोला था। तो उसमें आए ये पनीर मसाला, फिर ये शायद हैदराबादी, ओके, ये चिकन मसाला है, फिर दाल है, फिर वो साइड में चपाती और राइस रहेगा, फिर ये सलाद है, फिर अभी हम लोग ये वाला यहाँ का ट्राई करने वाले, अनलिमिटेड फूड रहेगा और यहाँ का टेस्ट ट्राई करेंगे, यहाँ का चिकन मसाला टेस्ट तो सही लग रहा है। फिर ये साइड में पनीर भी है, पनीर मसाला है, गया ना मैं अभी हम लोग को इवनिंग में मिला है सैंडविच और टी मिल जाता है, तो अभी हम लोग यहाँ का सैंडविच ट्राई करेंगे। इसमें बटर मिसिंग है, बटर बाकी सब, अरे वो चीज, अच्छा चीज, चीज मिसिंग है, बाकी सब सही है, चीज नहीं है। हाँ
और पब्लिक यहाँ पे रम्मी खेल रही है। और ऐसे दो तीन गेम्स है यहाँ पे जो आप खेल सकते हैं। सामने वो टी वी है यहाँ पे, सब यहाँ पे मस्त है सोफा। तो रात के 8 बजे अभी हम लोग यहाँ पे थोड़े एक्टिविटीज वो करेंगे, उसके बाद जाएंगे वापस पूल में। पूल में धमाल करेंगे, फिर डिनर टाइम में, डिनर में क्या क्या रहेगा सब कुछ बोलूँगा मैं। और पूल में एक चीज़ अच्छी है कि आप यहाँ पे देखोगे तो पूल में लाइट्स हैं, तो ये चीज़ सही है कि पूल में लाइट्स मिलेगी, तो रात भर इसमें धमाल कर सकते हो पूल में। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग खेल रहे हैं, हमारा वजन घटा रहे हैं, तनिक हम डाइट पर है, खाना खाने का बाकी है। और यहाँ पे वॉटरफॉल जैसा बना है, मस्त लग रहा है। तो अभी हम लोग पूल में आए और ठंडी काफ़ी लग रही है, क्लाइमेट ठंड है, इसकी वजह से पूल एकदम ठंडा लग रहा है। और पूल में एक सही चीज़ है कि लाइट्स है, इसकी वजह से अच्छा लग रहा है। अभी बजे रात के 11 बज गए और पानी ठंडा है, लेकिन ये देख सकते हो पानी में स्विमिंग पूल में जो लाइट्स बना है, इसकी वजह से मस्त लग रहा है। तो हम लोग 12 बजे तक पूल में रहेंगे, उसके बाद डिनर करेंगे। अभी हम लोग स्विमिंग पूल से बाहर आके डिनर के लिए आए, और डिनर में हम लोग के है नॉन वेज ही है, तो वेज और नॉन वेज बोला था। तो यहाँ पे चिकन और राइस, ये राइस है, चपाती है और बटाटे की भाजी है। अभी कैसा है टेस्ट चिकन का? एक नंबर, एक नंबर है, मज़ा आया, मज़ा आया। कैसा है टेस्ट? एकदम मस्त, बेस्ट है। सो है गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग ने ये विला कवर कर लिया और यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगा। कल 10 बजे आए थे, अभी बजे सुबह के 6, क्योंकि मुझे जल्दी निकलना है और काम में थोड़ा सा, इसकी वजह से मैं जल्दी निकल रहा हूँ। बाकी लोग लेट आएंगे, 10 बजे चेकआउट रहेगा। तो ये मॉर्निंग को अगर 11 बजे आप चेक इन कर रहे हो तो दूसरे दिन 10 बजे चेकआउट रहेगा। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा था, 3 BHK 3 रूम थे, और ये लोनावला से 8 किलोमीटर दूर है। वीकडेज में आते हो तो सिर्फ 8,000 में मिलेगा, सैटरडे आते हो तो रेट्स 12,000 तक भी जा सकते हैं। और उसी साथ स्विमिंग पूल भी सही है अंदर वो साइड में, और नाइट व्यू में काफ़ी अच्छा लगेगा ये विला। और विद फूड आते हो तो सीज़न वाइज रेट्स चेंज होते हैं, आप वो कॉल करके पूछ लेना विद फूड कितना रहेगा। फिर भी विद फूड हम लोग आए थे तो हम लोग को 2000 पर पर्सन था, उसमें आते ही हमको लंच मिला था, नॉन वेज वेज कोई भी ले सकते हो। फिर इवनिंग में टी और सैंडविच मिला था, फिर डिनर अनलिमिटेड था वो भी नॉन वेज। फिर मॉर्निंग में आज 10 बजे चेकआउट करने के पहले आपको पोहा और चाय भी मिल जाएगी। तो विद फूड ऐसा पैकेज रहेगा, विदाउट फूड सिर्फ वीकडेज में आते हो तो 800 पर पर्सन मिल जाएगा। तो अगर 10 लोगों का ग्रुप आ रहे, और काफ़ी खूबसूरत विला है, अभी भी देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है, जिस तरीके से बना है काफ़ी खूबसूरत लगता है, यहाँ पे अच्छा लग रहा है एकदम। और अभी 6 बजे तो मैं लोनावला स्टेशन जाऊँगा, वहाँ से ट्रेन रहेगी मुंबई के लिए। तो अभी के लिए वीडियो को एंड करता हूँ, और ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और आपके दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर सकते हो। तो आपका प्लान, आप इसके प्लान बना सकते हो यहाँ पे आने का। तो अभी के लिए वीडियो को एंड करता हूँ, मिलते हैं आगे के वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।